उन्हें कर दिया वो भाई गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी recently conducting just 2 days before electrical engineering solutions. इसके बारे में थोड़ा जरा सम अप डिस्कस करें my observations about the question paper and the exam what may be fruitful for you for the coming years. देखिए जहां तक question paper है electrical का तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि वेरी वेल बैलेंस्ड, ये थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल टाइप का हो गया लीक से हटकर, ठीक है ना, कुछ हद तक कह सकते हैं लिटिल बिट शॉकिंग कंसीडरिंग द फैक्ट कि जिन सब्जेक्ट का वेटेज जनरली कम रहता था इस बार उन क्वेश्चन के उन सब्जेक्ट के अच्छे खासे क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल सिग्नल सिस्टम, अब उसे कम्युनिकेशन का ही पार्ट मान लीजिए आप क्योंकि ईएस के सिलेबस में जैसे कि मेंशन है तो कम्युनिकेशन और सिग्नल मिक्स मेंशन होता है. वो माइक्रोप्रोसेसर के क्वेश्चन है एज वेल एज मटेरियल साइंस. और खास बात यह है कि इन तीन सब्जेक्ट के वो वाले पोर्शन से क्वेश्चन है जो गेट के सिलेबस में नहीं होता. तो इस बार एक थोड़ा सा शॉकिंग ये रहा है कि जनरली जैसे कि प्लानिंग करते हैं फर्स्ट टाइमर्स जब अपियर होते हैं एग्जाम में कि गेट की प्रिपरेशन करते हैं उसी से इंजीनियरिंग सर्विस में अप्लाई कर दे, तो जनरली वो स्टूडेंट वो वाला पोर्शन छोड़ देते हैं जो गेट के जो गेट में नहीं होता एक्सक्लूसिवली फॉर ईएस. इस बार उस वाले पोर्शन उस वाले सिलेबस का अच्छा खासा वेटेज है यहां पर. तो एक तो इससे अंदाजा ये हुआ कि ये वाले सब्जेक्ट भी आगे से करने चाहिए. कुल मिलाकर आपका भी काम बढ़ गया और हमारा भी काम बढ़ गया. अदर थिंग्स जहां तक बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, देखिए जैसे समझा जाता है जनरली कि इंजीनियरिंग सर्विस का जो लेवल होता है क्वेश्चन पेपर का वो गेट से हल्का रहता है, इजियर देन दैट ऑफ द गेट एग्जामिनेशन. लेकिन इस बार के क्वेश्चन पेपर को देख के ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लग रहा क्योंकि जो न्यूमेरिकल इसमें आए हैं वो उसी लेवल के हैं गेट के लेवल के. और अगर डिफिकल्ट ना भी कहें तो भी है कि जिसके लिए कंसेप्ट चाहिए होगी, मीन्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का स्कोप यहां भी खत्म हो गया, ठीक है ना. जनरली जैसे हम क्लास में जब पढ़ा रहे थे इस चीजों को, मेरे जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल में मैंने कवर भी किया था तो उसमें स्टूडेंट को कुछ को लग रहा था कि हम कुछ ज्यादा कवर कर रहे हैं, ज्यादा सिलेबस हो गया, ज्यादा आवर हो गए टीचिंग आवर, ठीक है ना. देखिए एक्चुअली अब मुझे लग रहा है कि थोड़े से आवर और बढ़ाने चाहिए थे, कुछ चीजों को और फोकस करना चाहिए था, है ना. तो उसके लिए भी अब हमें तैयार रहना पड़ेगा थोड़ा सा. मोर ओवर एक जो इससे वो कहते हैं कि मैसेज निकल कर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हुए कि आप लोगों को टाइम और देना पड़ेगा, इसमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा मतलब, ठीक है ना. यानी थोड़ा सा चीजें मुश्किल लग रही है आप लोगों के लिए हमें, है ना. खैर चलो वो तो कोई बात नहीं, उसी हिसाब से प्लानिंग जो है वो बदलते हैं. और जो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन है जैसे कुछ चीजें क्लियरली मेंशन नहीं होती, फॉर एग्जांपल इस पे कुछ क्वेश्चन फिल्टर के बारे में है, डिजिटल फिल्टर, जबकि सिलेबस में इंजीनियरिंग सर्विस में इलेक्ट्रिकल में कहीं मेंशन नहीं है सच प्रॉपरली, उसमें जो क्वेश्चन आ गया है ना. तो इसी तरह मेटेरियल साइंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड है, मतलब जिसमें कंसेप्ट नहीं है, जो सिलेबस का पार्ट हम ये नहीं कह सकते कि है ही कि वाले मेटेरियल की प्रॉपर्टी कौन कौन सा होगा. तो ऐसे क्वेश्चन की इस बार थोड़ा सा ज्यादा वैरायटी है. वैसे भी जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, जनरली वी टारगेट 135 टू 140 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, और हम क्लेम भी करते हैं कि 140 क्वेश्चन एटलीस्ट 140 प्लस क्वेश्चन आपको हमारे नोट से मिल जाएंगे. इस बार हमें थोड़ा सा कम क्लेम करना पड़ेगा, उस डेटा को हमें लाना पड़ेगा 135 प्लस, क्योंकि इसमें यह देखा है मैंने कि लगभग 10 क्वेश्चन तो मुझे नजर आ रहे हैं कि जो चीजें हमने आपको कवर नहीं कराई थी.
अब उसका रीजन मेनली तो यह था कि सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन नहीं थी, दूसरा रीजन यह था कि आप लोग के लोड ज्यादा हो रहा था, उसके लिए आवर्स ज्यादा बन रहे थे, सिलेबस ज्यादा हो रहा था। तो उसके अलावा तो बाकी फिर भी है कि 135 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें से मिल रहे हैं, तो वो एज सच आप लोगों के लिए फिर भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री डेटा है, क्योंकि इन तीन घंटे में आप खुद अंदाजा लगाओ कि जैसे आप एग्जाम देकर आए हो तो कितने क्वेश्चन कर भी सकते हो मैक्सिमम, अगर आपको सब कुछ आता भी है, सब कुछ आप जानते हो उसके बावजूद भी 150 क्वेश्चन में से बहुत बड़ी बात होती है कि 120 क्वेश्चन कर पाए कोई, है ना, मतलब 120 क्वेश्चन सही तरीके से। अब उन लोगों की तो बात ही अलग है जो फ्री फ्लो बैटिंग कर रहे, जिन्हें कुछ करना ही नहीं है, बस उल्टा सीधा करते जाएं, तो कितने भी क्वेश्चन कराओ वैसे तो। चलो मैं लिमिट रख लेता हूं 130, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमारे नोट्स में से आपको 135 प्लस मिल भी रहे हैं तो भी जितना आप सोल्व कर सकते हो वो ऑलरेडी काफी है, ठीक है ना, उस हिसाब से। क्योंकि लास्ट तक आते आते इतनी लंबी लंबी क्लासेस हो रही थी शुरू से, बल्कि हमने लंबी क्लास लगाई थी कि जिससे कि सिलेबस सारी चीजें कवर हो जाए, फिर आप लोग भी काफी कुछ थक गए थे कि नहीं ये चीजें रहने देते हैं। तो इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग दैट ये वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, है ना। तो खैर बाय द वे ये तो हो गया इसके बारे में एनालिसिस, ठीक है ना। लेकिन अब ये बात समझ में आ गई कि जो लोग कुछ ये सोचते हैं कि प्रीलिमिनरी दे देते हैं फिर मेंस के लिए देखा जाएगी प्रॉपर प्रिपरेशन, तो अब आपको शुरू से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी प्रीलिम के लिए भी अच्छी खासी, है ना। मतलब किसी भी चीज को गारंटीड नहीं ले सकते। यूपीएससी ने एक जरा अच्छा झटका दिया इस बार। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशंस, देखो इसमें ऐसा करते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा फिर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, है ना, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे ऐसी। अब देखो प्रीलिम में जितना कर चुके ठीक है, अच्छी बात है। नाउ बेटर टू कंसंट्रेट अबाउट मींस। देखो जैसे कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था दोनों पेपर मिलाकर, जनरल एबिलिटी और ये टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में, 230 कट ऑफ आ रहा था जो मेंस के लिए कॉल की गई थी, है ना। तो मुझे लगता है कि इस बार पिछले साल से थोड़ा कम जाना चाहिए कट ऑफ, मेरिट लो जानी चाहिए कंसीडरिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ बोथ जनरल स्टडी एंड टेक्निकल, ठीक है ना, तो थोड़ा कम जाएगा। अब यह है कि जिन लोगों को लगता है, मेरे ख्याल से जो लोग 200 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे दोनों में, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस अभी शुरू कर दें। अगर गेट के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर रहे तो अलग बात है, गेट के एकदम बात तो शुरू कर दें, है ना। मेंस के लिए प्लीज डू नॉट वेट, डोंट वेट टिल द डिक्लेरेशन ऑफ प्री रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि इसका प्री का रिजल्ट आएगा जब ये स्टार्ट करेंगे, ये टेंडेंसी पिछले दोनों बार से हम देखते आ रहे हैं, प्री मेन जब से हुआ है 17 में 18 में। हमारे स्टूडेंट भी जनरली क्या होता है, बहुत लेजी हो जाते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा प्रिपरेशन शुरू नहीं करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्री एज वेल एज मेंस बहुत कम टाइम मिलता है, ये जो 3-4 3-3.5 महीने होते हैं काफी नहीं होते, ध्यान रखिएगा। उन लोगों की बात हम नहीं कर रहे जो पहले से मेंस अपीयर हो चुके, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, कुछ एक्सेप्शनल केस डिफरेंट, लेकिन जनरली ये टाइम काफी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं आपके लिए भी नहीं, कि हम आपको उसकी प्रैक्टिस भी करा दें, समझा भी दें और फिर आप भी उसको ग्रास्प कर लो। तो जितना जल्दी हो सके इसको आप शुरू करें। जहां तक हमने शेड्यूल किया है मेंस क्लासेस, इसका जो बैच है आईएएस मेंस के लिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19 जून फर्स्ट वन, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है जो गेट क्वालिफाई कर चुके ऑलरेडी, गेट तक वेट नहीं करना चाहते, और बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं। एनदर सेकेंड वन 23rd फेब आफ्टर द गेट रिजल्ट, ठीक है ना। देन आफ्टर प्री रिजल्ट,
ये इस अकॉर्डिंग सिलेबस या इस अकॉर्डिंग बैचेज स्टार्ट होंगे मेंस के लिए, बैचेस का शेड्यूल 1 जनवरी में, फरवरी में, एंड अनदर आफ्टर प्री रिजल्ट, आफ्टर द डिक्लेरेशन। तो अब यह है कि जैसे कुछ लोग इन बिटवीन चाहते हैं कि गेट के एकदम बाद, कि भाई गेट तो 10-12 तारीख तक हो जाएगा, उसके एकदम बाद, तो ठीक है, वो लोग भी फिर बीच में ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज ये वाली डेट करेंगे। ओके, एज वेल एज दीज क्लासेस आल्सो ऑन ऑनलाइन बेसिस, ऑनलाइन क्लास भी रहेंगी एट दिल्ली सेंटर। देखो दिल्ली सेंटर पे तो होगा ही ऑफलाइन मोड में, लेकिन अगर जो लोग ऑनलाइन भी करना चाहते हैं उनके लिए भी हैं, कि ऑनलाइन आप लोग अपने डेस्कटॉप पर भी ये क्लासेस कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप इसकी वेबसाइट में देख लेना। सो मेंस के लिए भी जरा बहुत तरीके से तैयारी करो, क्योंकि अगर प्री में स्कोर कुछ कम भी रहता है जिससे कि आप मेंस में स्कोर उठा सको, उसके लिए प्रैक्टिस और डिस्कशन बहुत जरूरी है। अब इसके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आंसर की तो देखो इसकी हमने प्रोवाइड कर दी थी, अब जहां तक सॉल्यूशन डिस्कशन की बात है, ये शायद एक ही पार्ट में कंप्लीट करने में बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट में कर देता हूं क्वेश्चन को। कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन अभी कंसिडर कर लेते हैं, खासतौर से न्यूमेरिकल जिसके बारे में स्टूडेंट क्वेरी कर रहे थे, फिर इसी तरह कंप्लीट कर देंगे पेपर को 2 या 3 पार्ट में, है ना। ए सीरीज, आप लोगों के पास ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, इसके नंबर लिख रहा हूं मैं ए सीरीज के। तो ए सीरीज में ये वाला क्वेश्चन 500 किलोवाट 500 वोल्ट 10 पोल डीसी जनरेटर, लैप वाउंड का मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सेम इक्वल टू पी, इसमें नंबर ऑफ पोल कितने हैं 10। क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास होना चाहिए साथ में जब आप वीडियो देख रहे हो, यहां क्वेश्चन लिखने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। फिर नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स जेड इक्वल टू 800, इफ द पोल फेस कवर्स 75% ऑफ पोल पिच, नंबर ऑफ पोल फेस कंडक्टर्स इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग के डिजाइनिंग के बारे में क्वेश्चन है। लेट अस हैव, तो चलो इसमें तो 10 पोल्स गिवन है, पहले थोड़ा सा पोल फेस और पोल पिच के बारे में बता दे, ये जो रेशियो गिवन है 75% है, जैसे ये क्या चीज है ये। फॉर एग्जाम्पल फोर पोल मशीन, फोर पोल से आप समझ लो, ये और सिंपल डायग्राम से बता दें, 2 पोल से समझ लेते हैं। चलो 2 पोल मशीन, यहां ओनली देर आर ओनली 2 पोल्स, जैसे कि ये डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस, दिस टोटल एंगल पाई इलेक्ट्रिकल, ये तो है पोल पिच। अगर नंबर ऑफ पोल 4 भी है तो इलेक्ट्रिकल एंगल हमेशा पाई ही रहेगा, ये वेरी वेल नोन। दिस एंगल इट इज सेट टू बी पोल आर्क, ये वाला जो एरिया कवर होता है, तो श्योरली पोल आर्क लेस देन पोल पिच। यहां पर क्या गिवन है, पोल आर्क अपॉन पोल पिच
75% ये गिवन है। इसी तरह 10 पोल में आप देख सकते हो बिल्कुल। नाउ कंपनसेटिंग वाइंडिंग, देखिए क्लास में भी हमने डिस्कस किया था इस बारे में। जैसे कि आर्मेचर कंडक्टर्स हैं इस साइड में, ये वाले कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रोवाइडेड इन दिस स्लॉट्स, सॉल्यूशन जरा हम डिटेल में डिस्कस कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि पर्पस केवल ये नहीं है कि बस इस क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन, इससे जो रिलेटेड कंसेप्ट है जिससे आपके वो भी समझ में आ जाए। नॉट गोइंग इनटू हरी मोड, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा आराम से डिस्कस करेंगे इसके लिए। ये पोल आर्क, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये रही कंपनसेटिंग वाइंडिंग सप्लाइड बाय आर्मेचर करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यहां डॉट यहां क्रॉस, ये आर्मेचर में करंट है। एमएमएफ ऑफ आर्मेचर पर पोल, नंबर ऑफ कंडक्टर जेड आई सी अपॉन पी, एम्पियर कंडक्टर्स रादर देन एम्पियर टर्न्स पर पोल, हम इसको लिख रहे हैं एम्पियर कंडक्टर्स पर पोल। कैसे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए जेड, हर एक में कितनी करंट है आई। आर्मेचर वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में, वो अलग बात है आप चाहे तो इसका फार्मूला याद कर सकते हैं बाद में इससे सोल्व कर लें, लेकिन क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट फार्मूला नहीं है तो हम डिटेल इसकी डिस्कस कर रहे हैं। ये आर्मेचर करंट, ये करंट इन द कॉइल, कितने पाथ होते हैं, करंट इन आर्मेचर कॉइल आईसी आई ए अपॉन ए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से डिवाइड कर दिया जाए। कंडक्टर कितनी करंट है हर एक में, नंबर ऑफ कंडक्टर कॉइल करंट डिवाइडेड बाय पोल, एक पोल के अंडर में कितना, जेड आई सी जेड आई ए अपॉन ए पी, एम्पियर कंडक्टर्स पर पोल। ये तो हो गए टोटल। अब ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है केवल इतने को कंपनसेट करता है, ये वाले कंडक्टर्स को, जो पोल शू के अंडर में केवल ये इतने कंडक्टर, ये वाले अनकंपनसेटेड रह जाते हैं। क्यू एक्सिस क्या लोग अनकंपनसेटेड रह जाते हैं, दैट इज टेकन केयर बाय क्यू एक्सिस इंटरपोलर वाइंडिंग। सो एमएमएफ पर पोल ऑफ आर्मेचर अंडर द पोल फेस जेड आई ए पी पोल आर्क अपॉन पोल पिच। जैसे कि टोटल कंडक्टर हो गए यहां 20, ये टोटल कंडक्टर तो 20 हैं, यहां से यहां तक टोटल हो गई है 20। हमें कंसीडर करना केवल 75% में,
तो उसका 75% ये वाला। एग्रीड। अब जैसे कि एमएमएफ डायग्राम में भी हम डिस्कस करते हैं, इनका एमएमएफ इसके एमएमएफ को कंपनसेट करता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट है आईए, ये वाले जो कंडक्टर है सपोज जेड सी, लेट नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग जेड सी पर पोल, हर एक पोल में कितने कंडक्टर जेड सी, कर दो इक्वेट। MMF of compensating winding, MMF of armature winding, ZC into IA, Z into IA, AP, pole arc upon pole pitch। दोनों ही क्या हैं, एम्पियर कंडक्टर्स पर पोल। फाइनली कैलकुलेट जेड सी, जेड अपॉन एपी, ये वाला फार्मूला चाहे आप इसमें याद रख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे तो दोनों जगह टू से डिवाइड कर दो, एन सी यहां आ जाएगा, एन यहां पर आ जाएगा। कितने कंडक्टर हैं, 800, 10 इंटू 10, ये 0.756 कंडक्टर्स पर पोल, ये इसका आंसर हो गया। जो जितने मशीन के क्वेश्चन है इस बार सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये वाला लगा उसमें। अब ये देखो क्वेश्चन, जैसे कि 113 क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन देखो। वैसे कि आर्मेचर रिएक्शन तो हम सिंक्रोनस के लिए भी डिस्कस करते हैं, जैसे अपीयर हो रहा है ये क्वेश्चन है मेनली डीसी के बारे में, डीसी मशीन में किस तरह। अब इसमें जो ऑप्शन है वो ऐसे है, ट्राई टू रीड, मेकिंग पोल शूज फ्लैट, उससे तो बात नहीं बनेगी ऑब्वियसली। मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स लार्जर कंपेयर टू द आर्मेचर टर्न्स, इंक्रीजिंग द फ्लक्स डेंसिटी अंडर वन हाफ, वो पॉसिबल नहीं है, वन हाफ में कैसे इंक्रीज करें, टोटल इंक्रीज हो जाएगा। कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर सेम एज मोटर, नहीं ये टेक्निक काम नहीं करती। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में होता है एक्चुअली, ये तो फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स हो गया मेन फील्ड का फाइव एफ, आर्मेचर का फ्लक्स कुछ ऐसे आता है फाइव ए, इस तरफ इंक्रीज करता है, इस तरफ डिक्रीज करता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ये होता है ना, रिकॉल करो थ्योरी, हाफ ऑफ द पोल शू में इंक्रीमेंट, अनदर हाफ में डिक्रीमेंट। इफ वी नेग्लेक्ट सैचुरेशन तो इंक्रीमेंट इक्वल टू डिक्रीमेंट हो जाता है, अगर सैचुरेशन नेग्लेक्ट किया जाए, है ना। लेकिन सैचुरेशन की वजह से होता क्या है, इंक्रीमेंट लेस देन डिक्रीमेंट, इसलिए थोड़ा बहुत रिडक्शन भी होता है। जैसे कि हम डीसी में कहते भी हैं कि 4-5% रिडक्शन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, वो रीजन है। अब खैर इसको न्यूट्रलाइज करने के बारे में, देखिए जो ऑप्शन इसमें गिवन है उनमें तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन वही है इसका
ये वाला हो गया बी मेकिंग द मेन फील्ड पोल्स, मतलब कैसे? ये फील्ड का एम्पियर टर्न्स, सपोज ये है 100, ये आर्मेचर के लिए, ये डीएक्सिस, ये आर्मेचर का रहा इस तरीके से, यहां 10, यहां -10। तो अगर नेट रिजल्ट देखा जाए, इस तरफ इंक्रीज होकर 110 हो जाएगा, इस तरफ माइनस, इस तरफ 100 -10 यानी 90। तो न्यूट्रलाइज करने का तरीका लगता है कि इसको कम कर दें, ये इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए इफ इट इज लार्जर, यानी कंपनसेशन, ठीक है ना। तो फील्ड एमएमएफ को इतना लार्जर कर देते हैं कि आर्मेचर का एमएमएफ उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई जो रिजल्टेंट चाहिए था वो आ जाएगा इसमें, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में।
देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें सीरीज ए के सारे क्वेश्चन आए, ए सीरीज रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग बैक पिच एंड फ्रंट पिच के बारे में है क्वेश्चन। ये बहुत टाइम बाद कोई क्वेश्चन आया इसमें से। हमने लेफ्ट वाइंडिंग को डिस्कस किया था, इसीलिए ध्यान दो आप क्लास में, ठीक है ना। जबकि लगता था कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज डिस्कस की थी, उसी में से क्वेश्चन आ गया। देखिए इस बारे में, ये सारे टर्म है डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग से। स्लॉट्स पर पोल वाई सी एस एस बाई पी। डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, डीसी मशीन में तो डबल लेयर वाइंडिंग है, टू कॉइल साइड्स पर स्लॉट। एक बार जो डायग्राम बनवाया था हमने इसका वाइंडिंग का टोटल, जरा वो जरूर रेफर करना इसके लिए। आगे देखो, इसमें बैक पिच और कॉइल पिच यह है वाई बी, इसकी वैल्यू थी टू वाई सी एस प्लस वन, यह है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। वाई बी टू वाई सी एस माइनस वन रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग फाइनली तो बनकर सेम ही आता है डायग्राम, सिंपली नंबरिंग का डिफरेंस है। जैसे हम नंबरिंग करते हैं कोयल साइड की वन टू थ्री फोर किस साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, बस ये डिफरेंस है ना। तो इस केस में अच्छा, और इसमें देखो अब फ्रंट पिच वाई एफ, ये रहा वाई बी माइनस वाई एफ, क्या होता है वाई आर। वाई आर है बेसिकली रिजल्टेंट पिच, और वाई आर किसके इक्वल टू वाई सी। वाई सी होता है कम्यूटेटर पिच, है ना। रिकॉल करो सारी टर्म हम डिफाइन कर चुके हैं, दोबारा डिफाइन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज में सारा ही। तो अब जैसे कि वाई बी माइनस वाई एफ इक्वल टू टू वाई सी आ गया, हम कंसिडर कर लेते हैं लैप वाइंडिंग के लिए। इसी का डायग्राम बनवाया था हमने। लैप वाइंडिंग में दो चीजें हैं, वाई सी की वैल्यू या तो प्लस वन होती है प्रोग्रेसिव के लिए, वाई सी की वैल्यू माइनस वन रेट्रोग्रेसिव के लिए। तो वाई बी माइनस वाई एफ यहां से बताओ कितना होगा, माइनस टू किसके लिए रेट्रोग्रेसिव। व्हाट इज वाई एफ, वाई बी प्लस टू, मतलब वाई बी ग्रेटर वाई बी लेस देन वाई एफ। आ गया ना आंसर जो था, यहां से आया ये वाला, बिल्कुल इसी तरह वेव के लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं। है ना, चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखे, ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी। इसका तो ट्रेंड बना हुआ आ ही जाता है क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का इफिशियंसी या रेगुलेशन का वही। हाँ इसमें कोई डाउट है भाई, ठीक है ना, डिटेल डायग्राम रेफर कर लेना जरूर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्वेश्चन है इफिशियंसी का, ये रेटेड एस जीरो है 500 केवीए, इसके बारे में है इफिशियंसी 95% एट फुल लोड यूपीएफ, सिमिलरली 95% 60% ऑफ फुल लोड एंड यूपीएफ।
बाकी हमें बतानी है इफिशिएंसी एट 3/4 ऑफ फुल लोड यूपीएफई। ये चीज मेंशन तो है नहीं वैसे क्वेश्चन में, लेकिन बस हम इसलिए मान सकते हैं इंप्लिसिट कि सारे डेटा यूपीएफ के लिए, तो यूपीएफ पे ही पूछी गई होगी। बिल्कुल जो जनरलाइज फार्मूला है सब कुछ उसी पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन ये, ठीक है ना। इफिशिएंसी का फार्मूला देखो क्या होता था, एस जीरो कोस फाई पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी एफ। फुल लोड पहले वाली कंडीशन, फुल लोड का मतलब एक्स इक्वल टू वन कोस फाई इक्वल टू वन, ये वाला केस वैल्यू रखो 0.95, वन इंटू 500 इंटू वन, वन इंटू 500 इंटू वन प्लस पी आई वन स्क्वायर पी सी एफ। पी आई और पी सी एफ क्या है, पीआई तो हो गया आयरन लॉस, पीसीएफ है फुल लोड कॉपर लॉस, है ना। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके, चलो लिख देते हैं डायरेक्ट ये। ये भी आंसर किए गए टाइम कुछ के सॉल्यूशन बनाए हैं इसमें, ठीक है ना। टाइप हो जाएंगे एक बार तो आपको प्रोवाइड भी कर देंगे ये वाले सॉल्यूशन भी, वैसे आप अभी यहीं से लिख लो। ये किलोवाट में कैसे आया बताया था हमने, क्यों देखो जैसे कि ये केवीए में यूज कर रही और ये पावर फैक्टर, तो किलोवाट में आएगा आंसर। अब दूसरे वाला एटा इक्वल टू 0.95 एट 60% ऑफ फुल लोड एंड यूपीएफ वन, ये दोबारा से 95% है, यानी फुल लोड पर भी 95% और 60% पर भी 95% है। ये एक्स की वैल्यू पीसीएफ, यहां से सोल्व करके आ जाएगा पी आई प्लस 0.36 पीसीएफ, कितना आ रहा था ये 15.8 आ रहा। सेकंड वन एंड टू को सोल्व करो पी आई 9.88 किलोवाट, पी सी एफ 16.44 किलोवाट। अब एक्स इक्वल टू 3/4 पर पावर फैक्टर यूनिटी कैलकुलेट कर लो बस, अब तो इफिशिएंसी 3/4 एस जीरो वन, 3/4 एस जीरो वन, 16.44 हो जाएगा कैलकुलेट, ये आ रहा है 95.15%। बड़ी बात, चलो ये वाला क्वेश्चन करो जरा मशीन का ही। हमें बताना है फ्लक्स पर पोल डीसी मशीन में ऑन नो लोड, यानी कि नो लोड पर ऑफ ए 250 वोल्ट 6 पोल शंट मोटर। ये जो रेटिंग में गिवन होता है वोल्ट क्या होता है, ये ई या वी, मोटर हो या जनरेटर हो, गिवन वोल्टेज ऑलवेज टर्मिनल वोल्टेज। यहां मोटर है तो सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा ये 250 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज। नंबर ऑफ पोल 6 गिवन हो गए, नंबर ऑफ
वेव कनेक्टेड आर्मेचर 110 टर्न्स। तो वेव का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2, टर्न्स कितने 110, तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर डबल हो जाएंगे इसके 220। आर्मेचर करंट थर्टीन पॉइंट थ्री एम्पियर, नो लोड स्पीड गिवन है एन 908 आरपीएम। तो सबसे पहले तो बैक ईएमएफ की वैल्यू आई ए आ रही है 250, आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.2 ओम। I think you have written this. भाई आ गया इसमें कितना 247.34 वोल्ट। जहां तक बात है नो लोड की, नो लोड पर E इक्वल टू भी हो जाएगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज भी ये आ जाएगा उस हिसाब से यहां पर। तो भी की वैल्यू पी वाई ए फाइव, जेड कितना है 220, 908 60, पोल 6, ये 2, तो फलक सारा ये लगभग मिली वेबर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो गया क्वेश्चन ये तो। देखो ये क्वेश्चन है 115 कोगिंग आ गया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट शुरू में लिखा था हमने उस पर बेस्ड है। क्या बताया था कोगिंग कब होती है, स्टेटर पोल इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट्स S2, या तो S1 S2 इक्वल हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर, है ना, उस टाइम पे होती है कोगिंग। तो देखो दूसरा ऑप्शन मिल गया इसमें यही, या तो इक्वल या इंटीग्रल मल्टीपल, इसमें इंटीग्रल मल्टीपल दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डिटेल है, 500 हॉर्स पावर 6 पोल 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, फुल लोड स्पीड क्या है 950 आरपीएम। क्वेश्चन ये वाला आसान ही है, फुल लोड स्लिप नंबर ऑफ साइकिल्स द रोटर वोल्टेज मेक्स पर मिनट, बस हल्का सा स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दिया, अदरवाइज क्वेश्चन तो आसानी लग रहा है। सिक्स पोल 50 हर्ट्ज, सिंक्रोनस स्पीड 120 FP, 50/6, 1000 आरपीएम।
रोटर स्पीड कितनी फुल लोड पर? 950 आरपीएम फुल लोड स्लिप एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, ये आ गई 0.05। रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रीक्वेंसी स्लिप फ्रीक्वेंसी एफ टू एस एफ 0.05 इंटू 50 कितना आ गया 2.5 हर्ट्स। बस आंसर थोड़ा सा अलग तरीके से कि मैंने नंबर ऑफ साइकिल रोटर वोल्टेज मेक्स पर मिनट है ना, छोटी सी बात है लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है। हर्ट्स क्या होता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो हम लिखते हैं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अल्टरनेटिंग एक सेकंड में कितनी साइकिल बनते हैं, ये मीनिंग है। इसका मीनिंग है 2.5 साइकिल्स पर सेकंड इंटू 60 साइकिल्स पर मिनट कितनी हो गई 150, यानी एक मिनट में कितने साइकिल्स 150। ये वाला ओके, लेट अस सी फर्दर। ये सिंक्रोनस का क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर हैज कितने पोल की बनाए, देखो 12 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, टेक से लाइन करंट 100 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, स्पीड एंड टॉर्क। स्पीड, स्पीड तो हमेशा सिंक्रोनस ही होती है, इंडक्शन तो है नहीं है कि स्लिप के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रोटेट हैट सिंक्रोनस स्पीड, कितने है सिंक्रोनस स्पीड एफ कितना 50, पोल 12, 500 आरपीएम। अच्छा अब देखो इस जगह लाइन करंट, ये गिवन वोल्टेज ऑलवेज लाइन वोल्टेज आरएमएस, जैसे सप्लाई लिखा गया 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब साफ साफ है थ्री फेज में कि ये होगा लाइन वोल्टेज और उसकी आरएमएस वैल्यू। तो पर फेज रूट थ्री, हाउ मच करंट टेकन पर फेज 100 एम्पियर 0.8 लीडिंग, तो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट
3 वी फेस आईए कोस थीटा 3 440 बाय रूट 3 100.8 यह आ रहा है 60.97 किलोवाट। नाउ ठीक है ना। अब देखो जैसे यहां लॉस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं और टॉर्क हमें बताना है, तो ये इंप्लिसिट हो गया, लेट मोटर इज लॉस लेस, तो मैकेनिकल आउटपुट सेम एज इलेक्ट्रिकल इनपुट। स्पीड रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड, अब टॉर्क, बस अब तो डायरेक्ट हो जाएगा, टॉर्क डेवलप्ड, पावर आउटपुट ओमेगा एस रेडियन में आना चाहिए, न्यूटन मीटर। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन जरा देखो, एक यह है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स, थ्री फेज एसी सोर्सेस के लिए क्या कंडीशन बताई थी, जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर हो। देखो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों करेक्ट हैं, ध्यान से देखो, पहला क्या है, सेकंड इज ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मर मस्ट हैव द सेम फेज सीक्वेंस, ऑब्वियसली फेज सीक्वेंस सेम होना जरूरी है, फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेजेस मस्ट बी सेम, फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए सेम फेज के वोल्टेज, प्राइमरीज मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज, वो भी सही है, ठीक है ना, वोल्टेज मैग्नीट्यूड भी सेम, तो तीनों कंडीशन आ गई इसमें, है ना। चलो लेट अस सी फर्दर, बस इतने थक गए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। चलो ठीक है, खैर करा देंगे, है ना, अभी ये वाले क्वेश्चन है बाकी के।